ऋषि राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी इन दिनों चर्चा का विषय बनी हुई है। स्मृति ईरानी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं दे रही हैं। जैसा कि आप जानते ही हैं कि बीते कुछ दिनों पहले ही कांग्रेस के कुछ दिग्गज नेताओं ने स्मृति ईरानी की बेटी जॉयश ईरानी पर आरोप लगाया था कि वह गोवा में एक रेस्टोरेंट एवं बार चलाती है लेकिन अवैध लाइसेंस के दम पर, एक ऐसे व्यक्ति के नाम पर जो अब इस दुनिया में नहीं है। जिसके बाद स्मृति ईरानी ने एक लीगल एक्शन लिया और मामला दिल्ली हाई कोर्ट तक पहुंच गया। लेकिन साथ ही साथ आपको बता दें कि जॉयश ईरानी पर आरोप तो लगाया गया, लेकिन इसी के साथ साथ मांग की गई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अब स्मृति ईरानी से इस्तीफा मांग लेना चाहिए। दूसरी ही तरफ कुछ नेताओं ने पत्र भी लिखा और अपील की कि अब प्रधानमंत्री को स्मृति ईरानी से इस्तीफा मांग लेना चाहिए। हालांकि इस मामले में स्मृति ईरानी को थोड़ी सी राहत मिली जब दिल्ली हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया था, लेकिन एक बार फिर से ये मामला तूल पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। दरअसल आपको बता दें कि स्मृति ईरानी के पति जुबीन ईरानी को लेकर तमाम बड़ी खबरें सामने आई। आरटीआई के मुताबिक तमाम राज खुले और ऐसे में अब देखा जाए तो एक बार फिर से तमाम सवाल खड़े कर दिए हैं कांग्रेस पार्टी ने। दरअसल आपको बता दें कि इस वक्त कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर हैं और इस यात्रा के दौरान केंद्रीय मंत्री महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी उन पर निशाना साधती हुई भी देखी गई है। इसी बीच देखा जाए तो स्मृति ईरानी एक बार फिर से कांग्रेस के निशाने पर आ चुकी है। क्या कुछ कहा है कांग्रेस पार्टी ने यहाँ पर, अब उनकी मैरिड लाइफ से जुड़ा हुआ जिस तरीके से बयान दे दिया है, और ऐसे में स्मृति ईरानी ने फिलहाल तो इस पर कोई भी बयान नहीं दिया है। दरअसल आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी इन दिनों जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा कर रही है और इस यात्रा की अगुवाई राहुल गांधी कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी इस यात्रा को लेकर राहुल गांधी पर निशाना साध रही है, तो वहीं केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने बेंगलुरु में एक रैली को संबोधित करने के दौरान निशाना साध दिया था। उन्होंने कहा था कि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत मौके पर कन्याकुमारी में विवेकानंद रॉक मेमोरियल नहीं गए। इससे पहले केंद्रीय मंत्री ने आरोप लगाया कि स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का नई दिल्ली में कर्तव्य पथ पर अनावरण किया जाना कांग्रेस को रास नहीं आया, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने इस कदम का समर्थन करते हुए कोई बयान जारी नहीं किया और इसके बाद कांग्रेस यहां पर पलटवार करती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह ने अब बीजेपी के बड़े नेताओं में शुमार स्मृति ईरानी से सवाल पूछ लिया है। उन्होंने यहां पर कई सवाल पूछे हैं। सोशल मीडिया पर एक यूजर के ट्वीट पर उन्होंने अपनी बात रखी है। भारतीय से विवाह के बाद सोनिया इटालियन, तो ईरानी से शादी करने के बाद स्मृति ईरानी कट्टर हिंदू कैसे बन गई, और इस तरीके से उन्होंने सवाल खड़े कर दिए हैं। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने एक यूजर के ट्वीट पर रीट्वीट किया और ये सवाल पूछा। दरअसल एक यूजर ने लिखा था कि सानिया मिर्जा पाकिस्तान से शादी करके पाकिस्तान हो गई, सोनिया गांधी एक भारतीय से शादी करके इटालियन हो गई, इंदिरा गांधी एक पारसी से शादी करके मुस्लिम, लेकिन पारसी से शादी करके स्मृति ईरानी कट्टर हिंदू कैसे। इस तरीके से यहाँ पर सवाल खड़े कर दिए गए हैं। मालूम हो कि स्मृति ईरानी अपने पति जुबीन ईरानी के साथ काफी खुशहाल और आलिशान जिंदगी बिता रही हैं। अपनी पर्सनल लाइफ के चलते वह कई बार सुर्खियों में भी बनी रही हैं। स्मृति ईरानी जुबीन ईरानी की दूसरी पत्नी है, लेकिन स्मृति ईरानी और जुबीन ईरानी अपने बेटे और बेटी के साथ काफी खुशहाल जिंदगी बिता रहे हैं। आपको बता दें जुबीन ईरानी की पहली पत्नी मोना ईरानी है, वही जुबीन ईरानी और मोना ईरानी की एक बेटी भी है, लेकिन स्मृति ईरानी अपनी शैलेन ईरानी के साथ बहुत ही खुशहाल जिंदगी बिता रही है। दरअसल शैनेल ईरानी मोना ईरानी की बेटी है और इस तरीके से खुशहाल जिंदगी बिताती हुई नजर आ रही है स्मृति ईरानी। फिलहाल देखा जाए तो यहाँ पर स्मृति ईरानी क्या जवाब देती है, ये वक्त के साथ ही पता चलेगा। इस रिपोर्ट में इतना ही, बाकी के तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट नाइन न्यूज़।